नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग जेट स्ट्रीम्स के बारे में देखने वाले हैं। अब तक हम लोग ने देखा अर्थ सरफेस पे विंड के बारे में देखा, अब हम लोग जेट स्ट्रीम के बारे में देखने वाले हैं। अगर हम लोग करीब 8 से 15 किलोमीटर की हाइट पे जाएं तो वहाँ पे हम लोग को हाई स्पीड विंड देखने को मिलेगी, जिनको हम लोग जेट स्ट्रीम बोलते हैं। तो इस लेक्चर के एंड तक हम लोग जानेंगे कि जेट स्ट्रीम क्या होती है, जेट स्ट्रीम कैसे बनती है, जेट स्ट्रीम कितने टाइप्स की होती है, जेट स्ट्रीम कैसे अफेक्ट करती है वेदर को, कैसे वेदर को चेंज करती है, और ग्लोबल वार्मिंग कैसे वेदर कैसे जेट स्ट्रीम को चेंज कर रहा है, और जेट स्ट्रीम को कैसे यूज करते हैं हम लोग। तो मेरे साथ बने रहिए इस लेक्चर में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। उससे पहले हम लोग ये पिछले लेक्चर के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। चिनूक विंड दिया गया है, इधर विंड्स के नाम दिए गए हैं, और इधर ये उनकी कंडीशन दी गई है, कोल्ड होती है जैसे चिनूक विंड, और वन है ब्रिंग बिटरली कोल्ड कंडीशन पोलर स्टरलीस टू मोस्ट रेगुलर एंड कॉन्स्टेंट ट्रेड विंड्स स्नो ईटर वेस्टर्लीस स्टॉर्मी एंड पावरफुल इन साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इसमें से करेक्ट मैच करना है हम लोग को इसमें से। तो इसका आंसर आप लोग वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इनका आंसर मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा। अभी दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में भी मैच करना है। ये इधर कंट्रीज के नाम दिए गए हैं और इधर विंड के नाम दिए गए हैं। तो इसमें मैच करना है किन किन कंट्रीज में कौन सी विंड पाई जाती है, जैसे कनाडा, बुरहान, इजिप्ट, कमसिन, अर्जेंटीना, फोएन, साइबेरिया, चिनूक, जोंडा। तो इनमें से करेक्ट मैच करना है। तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, बियोफोर्ट स्केल इज यूज टू मेजर एयर प्रेशर, विंड वेलोसिटी, विंड डायरेक्शन या ह्यूमिडिटी। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है वीडियो पॉज करके। फिर ये फोर्थ क्वेश्चन है, चिनूक विंड, फोएन, सिरोको, मिस्ट्राल, नॉर्दर्न नॉर्थ अफ्रीकन डेजर्ट, रॉकी माउंटेन स्लोप ऑफ यूएसए, नॉर्दर्न स्लोप ऑफ आल्प्स, साउदर्न स्लोप ऑफ आल्प्स। तो करेक्ट मैच करना है इसमें। इस लेक्चर में हम लोग ये सब देखने वाले हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। अगर हम लोग 8 से 15 किलोमीटर की हाइट पे जाएं तो वहाँ पे हम लोग को स्ट्रॉन्ग नैरो बैंड ऑफ हाई स्पीड विंड देखने को मिलेगी, जिनको जेट स्ट्रीम बोलते हैं। जेट स्ट्रीम आर लाइक रिवर ऑफ विंड। जेट स्ट्रीम 1000 किलोमीटर लॉन्ग हो सकती है और फ्यू 100 किलोमीटर वाइड हो सकती है और फ्यू किलोमीटर थिक हो सकती है। और स्पीड ऑफ जेट स्ट्रीम अगर देखें तो 300 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। अब हम लोग कैसे जेट स्ट्रीम बनती है वो देखने वाले हैं हम लोग। जेट स्ट्रीम बनने के लिए प्लैनेट्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस और एटमॉस्फेरिक हीटिंग के चलते ये बनते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन दिखाई गई है, ये एक्चुअल डायरेक्शन है। यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे पोल्स पे लो प्रेशर है। ये अपर एटमॉस्फेयर में देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जाती है, तो ये विंड इस तरफ जाती है, लेकिन वहाँ पे इसकी विंड की स्पीड बहुत तेज होती है। विंड बहुत स्पीड से जाती है क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता है अपर एटमॉस्फेयर में। तो कोरियोलिस फोर्स के चलते ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है इसमें, तो ये 90 डिग्री डिफ्लेक्शन होता है विंड का। तो ये विंड की डायरेक्शन ये हो जाती है 90 डिग्री। तो ये इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है, तो इसको वेस्ट टू ईस्ट ये वेस्टर्लीस बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अर्थ की रोटेशन ये इस तरफ है, वेस्ट टू ईस्ट है, तो विंड की डायरेक्शन भी वेस्ट टू ईस्ट हो जाती है। जेट स्ट्रीम इज स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग विंटर व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस इज ग्रेटेस्ट। स्पीड अगर देखें विंटर के टाइम पे
उस समय स्ट्रांगेस्ट होती है, क्योंकि पोल्स पे और इक्वेटर पे अगर टेम्परेचर डिफरेंस निकाले तब वो बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिम होता है। तो उसके चलते जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतने उतना उतना ज़्यादा स्पीड होगी विंड की, उतना स्ट्रांग होगी विंड। और समर में ले लें तो इक्वेटर और पोल्स के बीच में डिफरेंस टेम्परेचर का वो कम होता है, लेस होता है, तो उसके चलते विंड वीकर हो जाती है, तो उसकी विंड की स्पीड समर के टाइम पे लो होती है। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जेट स्ट्रीम्स के। जेट स्ट्रीम कैन स्टार्ट, स्टॉप, स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, कंबाइन हो सकती है एक पार्ट एक में, और फ्लो कर सकती है अपोजिट डायरेक्शन में भी, अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द रेस्ट। जेट स्ट्रीम को यहाँ पे दे सकते हैं, ये वाटर फॉर्म करती है कोल्डर एयर का और वार्मर एयर का, जैसे यहाँ कि यहाँ पे देख सकते हैं जेट स्ट्रीम को। अब यहाँ पर रिज और ट्रफ देख लेते हैं। जितना मोर टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होगा उतना हाइयर होगा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होगा तो विंड उतनी स्ट्रांग होगी, विंड की स्पीड उतनी फास्ट होगी। जितना विंड की स्पीड फास्ट होगी तो ये स्ट्रेट लाइन, लगभग स्ट्रेट लाइन में ये देखने को मिलेगा जेट स्ट्रीम। इसका पाथ यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्ट्रेट है, यहाँ पे स्ट्रांग जेट स्ट्रीम होगी तो स्ट्रेट पाथ होगा। अब यहाँ पे अगर लो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है तो उस समय लो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा, और विंड जो होगी वो वीकर होगी, और विंड की स्पीड लो होगी, तो उसके चलते ये जेट स्ट्रीम जो है ये इस तरह बन जाएगा, वेव लाइक पैटर्न देखने को मिलेगा जेट स्ट्रीम में। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं ये रिज है, और ये यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रफ है, ये यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये रिज है ये, और ये यहाँ पे ट्रफ है। यहाँ पे रिज में ये वार्म एयर पुश करती है, और यहाँ पे ट्रफ में देख सकते हैं यहाँ पे ये कोल्ड एयर ड्रॉप कर रही है, कोल्ड एयर एयर मास ड्रॉप्स इनटू द वार्म एयर एयर मास थ्रू द ट्रफ। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ये रिज है और ये ट्रफ है, ये अपर एटमॉस्फेयर में है, और अगर लोअर एटमॉस्फेयर में देखें तो रिज के नीचे हम लोग को, यहाँ पे रिज देख सकते हैं, रिज के नीचे हम लोग को हाई प्रेशर देखने को मिलता है, और ट्रफ के नीचे अर्थ सरफेस पे देखें तो वहाँ पे लो प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ये इस तरह याद रख सकते हैं कि ये रिज है, ये अपर पार्ट इसको बोल सकते हैं, इसको लोअर पार्ट बोल सकते हैं। तो अपर पार्ट में हाई प्रेशर होगा यहाँ पे अर्थ सरफेस पे, और लोअर पार्ट में यहाँ पे लो प्रेशर होगा। तो इस तरह ध्यान रख सकते हैं कि रिज के नीचे हाई प्रेशर होता है और ट्रफ के नीचे लो प्रेशर होता है अर्थ सरफेस पे। अब यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम देखते हैं। पहले हम लोग परमानेंट जेट स्ट्रीम देखते हैं। परमानेंट जेट स्ट्रीम के अंदर ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम आती है और पोलर जेट स्ट्रीम आती है। अगर पोजीशन की बात करें सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की, तो हम लोग ने पहले हेडली सेल पढ़ा था, फेरल सेल पढ़ा था और पोलर सेल पढ़ा था। तो हेडली सेल और फेरल सेल के बीच में जहाँ पे ये मीट करते हैं, तो वहाँ पे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम पाई जाती हैं, और जहाँ पे फेरल सेल और पोलर सेल जहाँ मिलते हैं वहाँ पे पोलर जेट स्ट्रीम पाई जाती है। पोलर जेट स्ट्रीम, ये जेट स्ट्रीम जहाँ वहाँ पाई जाती है जहाँ पे टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट जो है वो स्ट्रांगेस्ट होता है। टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रांगेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम देखने को मिलेगी और यहाँ पे पोलर जेट स्ट्रीम देखने को मिलेगी, और जेट स्ट्रीम जो है वो स्ट्रांग और कंटिन्यूस होता है विंटर में। अब हम लोग टेम्परेरी जेट स्ट्रीम देख लेते हैं। टेम्परेरी जेट स्ट्रीम के अंदर एक तो ये है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जिसको अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं, और दूसरा है सोमाली जेट स्ट्रीम, इसको फाइन लेटर जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं। ये दोनों जेट स्ट्रीम टेम्परेरी बनती है,
और ये अफेक्ट करती है इंडियन मॉनसून को। ये जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये तिब्बतन प्लेटो है, ये हीट होता है सन की सन से, फिर उसके चलते लो प्रेशर होता है, उसके चलते एयर राइस करती है यहाँ पे, तो उसके चलते यहाँ पे सरफेस पे लो प्रेशर देखने को मिलता है। यहाँ पे विंड जो राइज करती है वो इस तरफ फ्लो करती है, तो ये अपर एटमॉस्फेयर में ये फ्लो हो रही है, तो इसको ये है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो ये हाई प्रेशर को यहाँ पे मैस्किन हाई में ये हाई प्रेशर को इंटेंसीफाई करती है, तो उसके चलते ये साउथ वेस्ट मानसून आता है, फॉर्मेशन ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जब बनती है तब तब लीड करता है, क्विकेस्ट ऑनसेट ऑफ मानसून पाया जाता है जब ये फॉर्म करता है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब सोमाली जेट स्ट्रीम के बारे में देखते हैं, ये एक लो लो लेवल जेट स्ट्रीम है, ये करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की हाइट पे देखने को मिलती है। तो ये सोमाली जेट स्ट्रीम जो है वो सोमाली करंट को इंटेंसिफाई करती है, और सोमाली करंट जो है वो साउथ वेस्ट मानसून को पुश करता है इंडिया की तरफ। तो जितना स्ट्रांग होगा सोमाली जेट स्ट्रीम उतना स्ट्रांग सोमाली करंट होगा, तो उतना उतना उतने उतना ज़्यादा पुश करेगा ये इंडियन मानसून को, साउथ वेस्ट मानसून को इंडिया की तरफ। तो इस तरह ये सोमाली जेट स्ट्रीम हेल्प करता है मानसून ऑनसेट को और प्रोग्रेस ऑफ मानसून को ये मदद करता है सोमाली जेट स्ट्रीम। अब हम लोग थर्ड टेम्प्रेरी जेट स्ट्रीम को देख लेते हैं, जो कि जिसको हम लोग पोलर नाइट जेट्स बोलते हैं। ये फॉर्म करती है विंटर मंथ्स में, पोल में विंटर मंथ्स के टाइम ये बनती है, जब जब नाइट्स आर मच लॉन्गर तभी इसको पोलर नाइट्स बोलते हैं। एट अराउंड ये 60 डिग्री लैटिट्यूड पे पाई जाती है। ड्यूरिंग डार्क मंथ्स एयर एबो द पोल राइसेस, पोल बिकम्स वार्मर मच कोल्डर। तो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट जो है वो इक्वेटर से और पोल में ये बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके चलते ये पोलर नाइट जेट्स बनते हैं, इन स्ट्रेटोस्फीयर बनते हैं एट अराउंड 48 किलोमीटर की हाइट पे। फिर अब हम लोग रोस बाई वेव देख लेते हैं। पोलर जेट स्ट्रीम जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, तो उसके चलते ये जैसा यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये इस तरह स्लो डाउन होने के चलते ये वेव लाइक पैटर्न बनता है, तो इसको रोस बाई वेव बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं और स्लो डाउन हो गया है, तो इस तरह से ये वेव लाइक पैटर्न बन जाता है ये पोलर जेट स्ट्रीम का, तो इसको रोस बाई वेव बोलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि जेट स्ट्रीम कैसे अफेक्ट करता है वेदर को। वेदर ऑफ हायर लैटिट्यूड अगर देखें तो वो मोर कॉम्प्लेक्स है देन वेदर ऑफ इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन में हीट सरप्लस रीजन है, तो थर्मल रीजन प्ले करता है डोमिनेंट रोल वेदर में, और अगर हायर लैटिट्यूड में देखें तो वो हीट डेफिसिट रीजन है, तो डायनेमिक रीजन प्ले करता है डोमिनेंट रोल, और ये डायनेमिक रीजन जो है वो लोकलाइज्ड हो सकता है, अपर ट्रोपोस्फेरिक कंडीशन हो सकती है, जैसे रोस बाई वेव हो गया, फिर जेट स्ट्रीम हो गई, फिर टेम्परेट साइक्लोन हो गया, मियंडर वेव ब्रिंग्स वार्मर वेदर टू नॉर्थ एंड कोल्डर वेदर टू मच फार्दर साउथ। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये अगर जेट स्ट्रीम अगर स्ट्रेट होती है तब ये कुछ इस तरह से होता, ये मियंडर के चलते ये जेट स्ट्रीम इस तरह से आ गई है, तो इस वाले पार्ट में वार्मर आ गया है, ये वार्म रहेगा, और इस वाले पोर्शन में यहाँ पे देख सकते हैं ये कोल्डर रहेगा, मच कोल्डर रहेगा अगर ये इस तरह से वेव लाइक पैटर्न बन गया है। तो अब पहले लो प्रेशर सिस्टम देख लेते हैं। साउदर्न एंड देखें ट्रफ का, जैसा कि यहाँ पे देख सकते, ये साउदर्न एंड देखें तो वहाँ पे लो प्रेशर रहता है, लो प्रेशर रिजल्ट इन साइक्लोनिक कंडीशन, तो उसके चलते
कन्वेक्टिव स्टॉर्म होता है और हैवी रेनफॉल होता है और फ्लडिंग होता है इस एरिया में। अब हाई प्रेशर सिस्टम देख लेते हैं। ये हाई प्रेशर सिस्टम नॉर्दर्न एज ऑफ रिज में पाया जाता है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। हाई प्रेशर सिस्टम जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन पाई जाती है, तो वहाँ का वेदर हॉट और ड्राई होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे अफेक्ट करता है ये जेट स्ट्रीम को। अगर हम लोग प्री इंडस्ट्रियल एरिया देखें तो इक्वेटर का और नॉर्थ पोल का ये टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा था पहले। रिसर्च शो दैट पास्ट सेवरल डिकेड्स में जेट स्ट्रीम जो है वो वीक हुई है। इसका रीजन क्या है? रीजन है ह्यूमन कॉस्ट ग्लोबल वार्मिंग है, हैव अल्टर्ड द स्ट्रेंथ एंड पाथ ऑफ पावरफुल जेट्स। आर्कटिक वार्मिंग हुई है ट्वाइस द पेस ऑफ रेस्ट ऑफ द प्लैनेट। यहाँ पे देख सकते हैं ये अब के टाइम में ये इक्वेटर है और ये पोल्स है, तो इसमें टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट जो है वो कम हुआ है। डिक्रीज टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट इक्वेटर और पोल्स के बीच में, तो उसके चलते डिक्रीज हुआ है जेट स्ट्रीम की स्पीड, तो उसके चलते लार्ज मीएंड्रिंग पैटर्न बना है। अब हम लोग यूजेस ऑफ जेट स््ट्रीम देख लेते हैं। पहला है पॉसिबल फ्यूचर पावर। अगर जेट स्ट्रीम को देखें तो उसको विंड एनर्जी उसमें से यूज कर सकते हैं हम लोग, और केवल 1% चाहिए हम लोग को वर्ल्ड की करंट एनर्जी नीड के लिए अभी। और वेदर फोरकास्टिंग में यूज कर सकते हैं। मेटियोलॉजिस्ट यूज करते हैं लोकेशन ऑफ सम जेट्स टू फाइंड वेदर इन वेदर फोरकास्टिंग, और एयरलाइंस यूज करते हैं। अगर जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जेट स्ट्रीम का पाथ है, अगर प्लेन इस डायरेक्शन में फ्लाई करेगा जेट स्ट्रीम के साथ में, तब ये जो फ्लाइट एयरलाइन है तो उसको वो फास्ट ट्रैवल कर सकता है। अगर हम लोग फ्लाइट देखें, अगर न्यूयॉर्क से लंदन अगर देखें, तब उसमें नॉर्मल टाइम लगता है जो लगता है वो मोर देन 6 आवर लगता है, और अगर जेट स्ट्रीम के साथ ट्रैवल करें तो करीब 5 आवर 20 मिनट्स में ये फ्लाइट पहुंच जाती है। और भाई अपोजिट देखें, फ्रॉम लंदन टू न्यूयॉर्क देखें, कैन टेक लॉन्गर टाइम बिकॉज आइदर द जेट स्ट्रीम इज टू स्ट्रांग और इट फोर्सेस प्लेन टू टेक डिटोर्स। जेट स्ट्रीम अदर प्लैनेट्स पे भी पाई जाती है, जैसे जुपिटर हो गया और सैटर्न हो गया, तो इन पे भी जेट स्ट्रीम पाई जाती है। अब हम लोग स्टार्टिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ये मैच करना है, इसमें चिनूक विंड हो गया। चिनूक विंड जो है वो इसको स्नो ईटर बोलते हैं, और पोलर स्टर्लीज बहुत कोल्ड होती है, बेटरली कोल्ड कंडीशन होती है। और ट्रेड विंड जो होती है मोस्ट रेगुलर होती है और कांस्टेंट होती है। और वेस्टर्लीज जो होती है स्टॉर्मी एंड पावरफुल इन साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इसका आंसर है डी, 1/3 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का यहाँ पे देख सकते हैं 2 हो गया, और डी का 4 हो गया। तो ये डी करेक्ट है। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में मैच करना है कनाडा में कौन सी विंड पाई जाती है। कनाडा में चिनूक विंड देख सकते हैं, इजिप्ट में हम लोग देख सकते हैं, इजिप्ट में खमसिन देख सकते हैं, अर्जेंटीना में जोंडा विंड पाई जाती है, और साइबेरिया में बुरान विंड पाई जाती है। तो इसका आंसर है बी, 1/4, 2, C/5 और D/1। तो इसका आंसर है बी। ये ब्यूफोर्ट स्केल क्यों यूज करते हैं? इसका आंसर है हम लोग विंड वेलोसिटी यूज करने के लिए ब्यूफोर्ट स्केल यूज करते हैं। ब्यूफोर्ट स्केल का रेंज होता है 1 से 12 के बीच में होता है, 0 से 12 के बीच में होता है। 0 मतलब काल्म विंड होती है, और 12 मतलब हरिकेन स्पीड की विंड होती है। तो इसका आंसर है बी। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसमें मैच करना है चिनूक विंड जो है वो रॉकी स्लोप ऑफ यूएसए में पाई जाती है, फोएन विंड को देख सकते हैं, फोएन विंड और मिस्ट्राल विंड जो है वो आल्प में पाई जाती है। फोएन विंड जो है वो एक वार्म विंड है और मिस्ट्राल जो है वो एक कोल्ड विंड है, दोनों ही आल्प्स में पाई जाती है। फोएन विंड जो है वो नॉर्दर्न स्लोप ऑफ आल्प्स में पाई जाती है और मिस्ट्राल जो है वो साउदर्न स्लोप ऑफ आल्प्स में पाई जाती है और सिरोको विंड जो है नॉर्थ अफ्रीकन डेजर्ट में पाई जाती है। तो इसका आंसर है ए, ए का टू, बी का थ्री, सी का वन और डी का फोर। तो इसका आंसर है ए। अब हम लोग इस लेक्चर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज़ ट्रू विद रिगार्ड टू जेट स्ट्रीम। ये पहला है हाई स्पीड विंड ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ब्लो इन अपर ट्रोपोस्फियर नियर ट्रोपोपॉज ब्लो इन मेसोफियर ब्लो इन मेसोफियर। तो ये गलत है। तो ये वन टू और थ्री सही है। तो इसका आंसर है सी, वन टू एंड थ्री। तो इसका आंसर है सी। अब मैं ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक के लिए थैंक यू।